गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर सब्जेक्ट इज ईवीएस चैप्टर 8, मोर अबाउट एनिमल्स यूनिट 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू विल ओपन चैप्टर 8 ईवीएस मोर अबाउट एनिमल्स। सम एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द स्काई, सम ऑन ट्रीज, सम ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। कोई कोई एनिमल आसमान में मिलते हैं, कोई कोई एनिमल पेड़ पे मिलते हैं और कोई कोई एनिमल जमीन पे मिलते हैं और कोई कोई एनिमल वाटर में मिलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, फॉर एग्जांपल बर्ड्स ट्रिप एंड टाइगर रोर। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के आवाज निकलते हैं, जैसे कि बर्ड्स मतलब चिड़िया किचिर पिचिर करते हैं और टाइगर्स क्या करते हैं, रोर। ओके, हाउ एनिमल्स मूव, ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। सब एनिमल एक जगह से और एक जगह पे जाते हैं खाने के लिए और रहने के लिए, शेल्टर के लिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, एक एक एनिमल एक एक तरह से मूव होता है। सम एनिमल्स वॉक, कुछ कुछ एनिमल चलते हैं। सम फ्लाई, कुछ कुछ एनिमल उड़ते हैं। सम क्रॉल, कोई कोई ऐसे घुटने पे चल के जाते हैं। एंड सम स्विम, कोई कोई तैर के जाता है। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, सेल्स एंड स्नेक्स मूव अलोंग द ग्राउंड। अर्थवर्म, सेल्स एंड स्नेक्स ग्राउंड में मूव होते हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश कहाँ रहते हैं, पानी में। दे स्विम इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड फिन्स। फिश किससे स्विम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिन्स। बर्ड्स वॉक ऑन लैंड ऑन देयर टू लेग्स इन एयर। दे फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड विंग्स। बर्ड्स जमीन पे दो पैर से चलते हैं, लेकिन उड़ते कैसे हैं, अपना विंग्स से, उसका दो विंग्स से, स्पेशल पार्ट से वो, उससे वो आसमान में उड़ता है। एनिमल्स ईट फूड, एनिमल्स खाना क्या खाते। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, एनिमल्स तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, फूड जो वो लोग खाते हैं वो डिपेंड करता है। सम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस एंड गोट्स ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। बफेलो, गोट्स ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और उसके प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, वो सब क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, वल्चर्स एंड ईगल्स ईट द फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स। ये सब क्या खाते हैं, अदर जीव जंतुओं का फ्लेश खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। और एक तरह का होता है जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और एनिमल के फ्लेश भी खाते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक बियर्स, क्रोस एंड ह्यूमन बींग्स। ये कैसे एनिमल्स है, बियर भालू, क्रोस कौआ, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान। नेक्स्ट पेज, एनिमल्स होम्स, एनिमल्स का घर। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग घर होता है। एनिमल मेक होम्स फॉर डिफरेंट रीजंस, एनिमल घर बनाते हैं अलग अलग कारण के लिए। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड राइज देयर यंग वंस इन।
बर्थ क्यों घर बनाते हैं? क्योंकि उनको उसमें एक देना होता है और उसको बड़ा करना होता है, वो एक्स को, मतलब एक से जो बच्चे निकलते हैं उसको। अ रैबिट मेक्स अ ब्रो, अ पेट डॉग लिव्स इन अ कैनल, अ पेक लिव्स इन अ स्टे, अ काउ लिव्स इन अ शेड, हैंस लिव इन अ क्रूप, स्क्विरल्स लिव इन अ ट्रीज, हॉर्सेस लिव्स इन अ स्टेबल एंड बीज लिव्स इन हिप्स। ये अलग अलग प्राणियों के अलग अलग घरों के नाम है। इसको अभी हम लोगों को मैच करना है, मैच द एनिमल विथ देयर होम। लायन, लायन कहाँ रहता है आप लोग बोलो, डेन, इसके साथ आपको मैच करना है। नेस्ट में कौन रहते हैं, बर्ड, यस। स्नेक कहाँ रहते हैं, होल, होल में रहते हैं। काउ कहाँ रहते हैं, शेड, शेड में रहते हैं। हेन कहाँ रहते हैं, कूप। ओके, ऐसे आप लोग भी इसको मैच करना। एनिमल बेबीज, अब एनिमल के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, सब एनिमल के बच्चे होते हैं। मोस्ट बेबी लुक लाइक देयर पेरेंट्स, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं। पेरेंट एनिमल्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ देयर बेबी टिल इट इज ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर इटसेल्फ। पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे का देखभाल करते हैं जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपना देखभाल खुद नहीं कर पाते हैं तब तक। ओके, एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, एनिमल्स हम लोगों को किस काम में लगते हैं। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, बहुत सारे चीजों में एनिमल्स हमें काम आते हैं। शीप गिव अस ऊल, शीप हमें क्या देते हैं, ऊल देते हैं। काउस, बफेलोस एंड गोट्स गिव अस मिल्क। डॉग्स गार्ड आवर होम। हनी बीज मेक हनी फॉर अस। डोंकीज, कैमेल एंड हॉर्सेस कैरी आवर लोड्स। हॉर्सेस, बुल्स एंड बफेलोस पुल कार्ट्स। ओके, ऐसे हमारे सब एनिमल्स काम आते हैं। एनिमल केयर, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल इतना हेल्प करते तो हमें भी एनिमल के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म देम और देयर होम्स, उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए और उनके घर को भी कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टीज देम और बी क्रूल टू देम, उन लोगों को कभी भी टीज नहीं करना चाहिए, उनके साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। व्हेनेवर वी कीप एनिमल्स एट होम वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, हम लोग अगर घर पे कोई एनिमल्स को लाते हैं तो उनको हमें अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा। क्लीन एंड हेल्दी फूड शुड बी गिवन टू देम एट प्रॉपर टाइम्स। अ गुड होम शुड बी मेड फॉर देम एंड इट शुड बी केप्ट क्लीन। वी शुड लुक आफ्टर देयर हेल्थ एंड टेक देम टू अ वेट व्हेनेवर दे आर सिक, वो लोग कभी भी बीमार पड़े तो उन लोगों के लिए भी अलग डॉक्टर होते हैं, उनके पास हमें उनको दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। आवर वैल्यूज, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स नीड आवर लव एंड केयर। व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड अ सिक और एन इंजोर्ड एनिमल इन योर नेबरहुड, अगर आप अपने घर के आसपास कभी देखो कोई भी ऐसे कोई प्राणी बीमार पड़ा है तो आप क्या करोगे। लेट्स रिमेम्बर, अब ये सब आपको याद करना है। दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास डिफरेंट तरह के एनिमल रहते हैं। एनिमल्स कैन बी बिग, स्मॉल, वाइल्ड और डोमेस्टिक। Different animals make different kind of sound and move in different ways.
different animals have different types of homes. Animals are useful to us in many ways. We should be kind to animals. Keywords: wild animals. Animals that live in forest and not with people. जो जंगल में रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते, उसको क्या बोलते हैं? Wild animals. Domestic animals. Animals kept on farms or as pets. जो farms में रहते हैं या pets की तरह हमारे घर पे रहते हैं, उसको बोलते हैं domestic animal. Pet animals. Animals that we keep in our home. जो खाली हमारे घर पे ही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Pet animal. Crawl. Move forward on hands and knees or with the body close to the ground. हाथ और पैर से जैसे चलते हैं हम घुटने के बल, उसको बोला जाता है क्रॉल. Fin. A thin flat part that is attached to the body of a fish and is used for swimming. एक पतला सा चमड़ा टाइप का रहता है जिससे मछली को तैरने में हेल्प मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? फिन. वेट. अ डॉक्टर और फॉर एनिमल्स. एनिमल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेट. ओके, अब ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भेजूंगी. ओके, आप लोग कंप्लीट करना. थैंक यू.